सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल करांगे G20 सम्मेलन की, जिसनों लैके भिखारियां अते नशेड़ियां दीआं मौजां लगदियां दिखाई दिंदियां ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों हुण नवें पटवारियों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे जाणगे। पंजाब यूनिवर्सिटी दीआं विद्यार्थी चोणां दे विच कांग्रेस जित गई है ते आप नूं हार दा मूंह वेखना पै गया है। जलंधर के SHO नवदीप सिंह नूं बरखास्त कर दिता गया है। नशियां दे खिलाफ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां भी मैदान दे विच कुद पई है। सानेवाल तों हवाई उडाना शुरू कर दित्तियां गईआं हन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होर भी हवाई अड्डिआं नूं लैके कुछ अहम ऐलान कर दित्ते ने। नशे दे नाल पीड़ित नौजवान की माँ की वीडियो हुण वायरल हुंदी दिखाई दिंदी है, तुहानूं सारा कुछ दस्सांगे। पर सब तो पहला शुरुआत G20 सम्मेलन तो करते हाँ। 9 अते 10 सितंबर वाले दिन भारत की राजधानी दिल्ली दे विच G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसनों लैके मुल्क दे वल्लों पूरे भारत दे वल्लों तैयारियां कीतियां जा रही ने कि जिहड़े 20 देशों के नुमाइंदे दिल्ली दे विच पहुँच रहे हैं उन्होंने सामने भारत का चंगा अक्स बने। इसनों लैके दिल्ली दे विच लगभग सारा ही कुछ 3 दिन लई बंद कर दिता गया है। भावें वह स्कूल होण कॉलेज होण भावें वड्डियां गड्डियां दी एंट्री होवे दिल्ली दे विच सारा ही कुछ बंद कर दिता गया है कि जिहड़े बाहरले मुल्कां दे नुमाइंदे आउण उहनां नूं इंज जापे कि दिल्ली दे विच भारत दे विच कोई भी समस्या नहीं है, ना ट्रैफिक वर्गी है अते ना ही कोई होर समस्या है। हुण कुछ मीडिया रिपोर्टां सामने आईआं ने कि इस G20 दे सम्मेलन दे करके दिल्ली दे भिखारियां अते नशेड़ियां नूं मौजां लग गईआं ने, क्योंकि सरकार दे वल्लों हुक्म दित्ते गए हन कि जिन्नी देर तक G20 सम्मेलन है उन्नी देर तक दिल्ली दे विच ना तो भिखारी दिखने चाहिए ने अते ना ही नशेड़ी दिखाई देने चाहिए ने। जिस तो बाद प्रशासन दे वल्लों फैसला ये लिया गया है कि प्रशासन हुण आप इन्हां दे लई रहण अते खाण पीण दा खास प्रबंध करेगा। खास तौर पर कनाड प्लेस KG मार्ग जनपथ बंगला साहिब गुरद्वारे अते CP दे हनुमान मंदिर के सामने भिखारी नशेड़ी अते किन्नर नज़र नहीं आउणगे। इन्हां नूं चुक चुक के लजावेगी पुलिस प्रशासन दे वल्लों, इन्हां नूं लजाया जाएगा। इन्हां दे रहण दा अते खाण पीण दा चंगा प्रबंध प्रशासन दे वल्लों करके दिता जाएगा। अजिहियां मीडिया रिपोर्टां हुण सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। अगे वधदे आं उपरले लैवल ते इंडिया गठजुड़ हो गया, पर पंजाब दे विच कांग्रेस अते आप विचाले रौला पैंदा दिखाई दिंदा है। पहला कांग्रेस पार्टी दे विच अणबण सामने आ रही सी, क्योंकि राजा वड़िंग अते प्रताप सिंह बाजवा कह रहे सन असी गठजुड़ नहीं करना। नवजोत सिंह सिद्धू बोल पए, उन्होंने सोशल मीडिया से पोस्ट पा दी कि हाई कमांड की गल मननी चाहिए है, उन्हों का फैसला सर्व उच्च है, क्योंकि वड्डे मकसद लई यह गठजोड़ किया गया है, इस करके अपने छोटे मकसद पिछे रखने चाहिए ने। अगली पीढ़ी के लिए यह चोणा लड़िया जा रही ने, अगले इलैक्शन चोणा नहीं लड़िया जा रही, गल मन लैनी चाहिए है। पंजाब की कांग्रेस को सलाह दी नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिस तों बाद पंजाब कांग्रेस के मतभेद साफ तौर पर दिखाई दते। पर हुण आम आदमी पार्टी विच भी मतभेद दिखण लग पए ने। बीते दिनी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आखिया सी कि असी 2024 दीआं लोक सभा चोणां दे विच पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी नाल सीटां दी वंड करके चोणां लड़ांगे, पर हुण एक होर मंत्री अनमोल गगन मान दे वल्लों बिल्कुल इस दे उल्ट बयान दे दित्ता गया है। वह कहिंदे ने नहीं, सीटां दी वंड कांग्रेस पार्टी दे नाल बिल्कुल नहीं होवेगी, असी 13 दीआं 13 लोक सभा सीटां ते आपे ही चोणां लड़ांगे। साडी पार्टी दे वल्लों यह फैसला लिया गया है। अनमोल गगन मान ने यह वड्डा बयान दे दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान तो इस बारे सवाल पूछा गया तो उन्होंने गल फिर तो गोलमोल कर दी, ना उन्होंने हाँ की ना उन्होंने ना की। भगवंत मान ने आख्या कि जेकर सानू इकल्यां भी चोणां लड़नियां पै गईआं तां असी चोणां लड़नियां भी जाणदे हाँ अते जितनियां भी जानते हाँ अते जितण तो बाद सरकारां चलाउणियां भी जानते हाँ। वेख लो पंजाब दे विच असीं इकल्ले ही चोणां लड़े सी, पंजाब दे लोकां ने साढ़े 92 विधायक बना दिते ने, उस तो बाद वेखो असीं किन्नी वधिया सरकार चला रहे हाँ, लोकां दे पक्ष दे विच फैसले लै रहे हाँ, पंजाबी बहुत खुश ने। असीं गुजरात दे विच इकल्ले लड़े, दिल्ली दे विच इकल्ले लड़े, होर सूबिआं दे विच भी इकल्ले लड़े हाँ, लोक सानूं वोटां पाउंदे ने। जेकर पंजाब दे विच भी इकल्लिआं लड़ना पै गया तां कोई गल
नहीं है, असीं 13 दीआं 13 लोक सभा सीटां ते वी चोणां लड़ सकदे हां, पर इस संबंधी तय बाद दे विच कीता जावेगा। एक गोलमोल गल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों कर दित्ती गई है। मीडिया रिपोर्टां दावा करदियां ने कि भगवंत मान ए पूरी तरह मन के बैठे ने कि जो दिल्ली आखेगी होणा उही है, पंजाब वालियां नूं किसे ने नहीं पुछणा है, भावें आम आदमी पार्टी की गल होवे भावें होवे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस के बारे जो गल आखी सी भगवंत मान ने लगभग सच हो रही है। उन्होंने आखिया सी कि मेले च अमरूदां नूं कौन पुछदा है, भाव दिल्ली वालियां ने पंजाब वालियां नूं पुछणा ही कित्थे है, उन्होंने आपे गठजोड़ कर लेना है, सानूं तां मनना ही पैना है। सचमुच ही पंजाब कांग्रेस के लीडर भी हुण ढिले पैंदे दिखाई देंदे ने। राजा वड़ेंगा ते प्रताप सिंह बाजवा के सुर भी नरम पै गए ने, आखन लग पए ने असीं नहीं चाहते गठजोड़ होवे, पर जो कांग्रेस की हाई कमांड आखेगी सानूं मनना ही पैना है। इस तरीके नाल कांग्रेस अते आप दा पंजाब दे विच गठजोड़ होएगा जां फिर नहीं, इस नूं लैके पल पल सिचुएशन स्थिति बदलदी दिखाई देंदी है। अगे वधदे आ, इह तां हो गई कांग्रेस अते आप दे गठजोड़ दी गल, भाजपा अते अकाली दल दा वी गठजोड़ नहीं हो रहा है, जदके पूरा जोर दोवां पार्टियां दे वल्लों लाया जा रहा है। खास तौर ते अकाली दल तरलो मची हो रहा है कि किसे ना किसे तरीके भाजपा दे नाल गठजोड़ हो जावे, अते इह गल साफ झलकदी है अकाली लीडरां दे बयानां तों। सीनियर अकाली आगू सिकंदर सिंह मलूका एक निजी चैनल दे नाल गलबात कर रहे सन, जिस मौके उन्होंने आखिया कि दोवां पार्टियां नूं गठजोड़ जरूर करना चाहीदा है, इस दे विच दोवां दा फायदा है, भाजपा दा भी अकाली दल दा भी पंजाब दा भी भारत दा भी फायदा ही फायदा है, गठजोड़ हो जाना चाहीदा है। मलूका ने आख्या कि जेकर गठजोड़ नहीं हुंदा है तां इन्हां लोक सभा चोणां दे विच भाजपा नूं पंजाब तों एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये पक्की गल है, उन्हां नूं एक भी सीट नहीं मिलनी, पर सानूं फिर भी 3-4 सीटां माड़े हालातां दे विच भी मिल जाणियां ने। पर जेकर गठजोड़ हो जाता है तो साडा गठजोड़ 13 दे विचों 10 दे करीब सीटां ते जित दर्ज कर सकता है। सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों इह भविखबाणी की गई है, गठजोड़ ना होया भाजपा 0 सीट, अकाली दल 3-4 सीटां, गठजोड़ हो गया दोवें रल के 10 दे करीब सीटां जित सकते हैं, गठजोड़ हो जाना चाहिए है। कुछ मुद्दे हैं जिवें कि बंदी सिंघां दा मुद्दा है, पंजाब दे पाणियां दा, चंडीगढ़ दा मुद्दा है, भाजपा इन्हां मुद्दियां ते हामी भर देवे तां गल बन जाएगी, गठजोड़ हो जाए तां दोवां दा फायदा हो जाएगा। सिकंदर सिंह मलूका दे वल्लों भाजपा नूं गठजोड़ लई अपील कर दिती गई है। अगे वधदे आ, पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच विद्यार्थी चोणां होईआं, जिस दे विच NSUI जित गई है, जिहड़ा कि कांग्रेस पार्टी का विद्यार्थी विंग है, नैशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसके उम्मीदवार प्रधानगी की चोण जित गए हैं। दूजे नंबर पर रही है आम आदमी पार्टी की CYSS, तीजे नंबर से ABVP जो कि भाजपा की विद्यार्थी शाखा है। कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी नू हार दा मूंह वेखना पै गया है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी जित गई सी, उन्हां दा प्रधान बनिया सी, पर इस बार कांग्रेस पार्टी दे वल्लों दोवां नूं मात दे दित्ती गई अते कांग्रेस पार्टी दा प्रधान बन गया है। वाइस प्रेजिडेंट की गल की जाए तो वह साथ दे वल्लों जो उम्मीदवार सन रणमीक जोत कौर, उन्हां दे वल्लों जित दर्ज की गई है। कांग्रेस पार्टी ने आख्या कि PU दीआं चोणां नूं आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह पंजाब की सियासत का अखाड़ा बना दिता सी, जो लोगों नूं चंगा नहीं लगा, असीं विद्यार्थियों की गल की सी जो विद्यार्थियों नूं चंगी लगी अते उन्हां दे वल्लों सानू वोटां पाईआं गईआं ने। NSUI दे वल्लों जित दर्ज कर दित्ती गई है। अगे वधदे आ, जलंधर दे थाने दे SHO नवदीप सिंह ते वड्डी कारवाई पंजाब सरकार दे वल्लों कीती गई है, बर्खास्त कर दिता गया है। SHO नवदीप सिंह ते इल्जाम लगे सन कि उन्होंने दो भरावां नूं मानवजीत सिंह अते जशनबीर सिंह ढिल्लो दो भरावां नूं थाने दे विच इन्ना जलील किया कि उन्होंने दुखी हो के ब्यास दरिया दे विच छाल मार दित्ती सी, उन्हां ते इल्जाम लगे सन। जशनबीर सिंह दी मृतक दे बीते दिनी लभ गई सी, मिल गई सी, जिस तों बाद नवदीप सिंह ते परचा हो गया सी, पहला परचा नहीं होया सी, बाद विच परचा हो गया अते हुण
SHO नवदीप सिंह नूं बर्खास्त ही कर दिता गया है। वड्डी कार्रवाई उन्हां ते कीती गई है। परिवारक मैंबरां ने पीड़ित परिवार ने आखिया सी जिनी देर तक SHO ते कार्रवाई नहीं हुंदी है असी जशन बीर सिंह दा संस्कार नहीं करांगे। हुण कार्रवाई हुई तां जशन बीर सिंह दा अंतिम संस्कार कर दिता गया है। पर इस सब दे विच हुण SHO नवदीप सिंह दी पत्नी मीडिया दे सामने आ गई है अते उन्हां दे वल्लों सुखविंदर कौर उन्हां दा नाम है अते उन्होंने यह दावा किया है कि मेरे पति नाल धक्का हो रहा है क्योंकि मानवजीत सिंह दे वल्लों महिला पुलिस अधिकारी दे नाल बदतमीजी की गई सी थाने दे विच। थाना इंचार्ज होने के नाते SHO नवदीप सिंह ये सब बर्दाश्त किवें कर दे। उन्होंने 751 का परचा कानून के मुताबिक मानवजीत सिंह ते कर दिता सी अते उस तो बाद उन्होंने जेकर दरिया दे विच छाल मार दिती तां मेरे पति का की कसूर है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उत्पीड़न उन्हों का नहीं किया गया सी। मेरे घर वाले दे वल्लों ये सब झूठ है, बिल्कुल उन्होंने दलील नहीं किया गया सी। ये जानबुझ के मेरे पति नूं फसाया जा रहा है अते इंसाफ होना चाहिदा है। जिहड़ा प्रत्यक्ष दर्शी है मानवजीत सिंह उपड़ उसकी भी जांच होनी चाहिए है, जिसने सारा कुछ दसिया कि दोवां भरावां ने दरिया दे विच छाल किवें मारी उसकी भी जांच होनी चाहिए है कि जदों छाल मार रहे सन तो वह गवाह उत्थे की करदा सी, उसने बचाया क्यों नहीं, उसने रौला क्यों नहीं पाया, आखिर गल की है, मेरे पति नाल धक्का हो रहा है। सारे मसले की जांच चंगे तरीके नाल होनी चाहिए है। SHO नवदीप सिंह की पत्नी दे वल्लों ये मंग मुख्यमंत्री अते DGP दे अगे रखी गई है। अगे वधदे हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटवारियों नूं लैके एक अहम ऐलान कर दिता है कि 8 सितंबर वाले दिन वो 710 नव नियुक्त पटवारियों नूं नियुक्ति पत्र सौंपणगे। बीते दिनी भगवंत मान दे वल्लों लाइव होकर फेसबुक ते यह जानकारी दित्ती गई सी कि 710 पटवारी अजिहे ने जिन्हां दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है पर उन्हां नूं अजे तक नियुक्ति पत्र नहीं दिते जा सके। असी कागजी कार्रवाई छेती तो छेती पूरी करांगे अते उन्हां नूं नियुक्ति पत्र दे के काम ते लाउण दी कोशिश करांगे। अते हुण तरीक दस दित्ती है 8 सितंबर नूं 710 पटवारियों नूं नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों दिते जाणगे। इस संबंधी हुण सरकार दावा यह ठोक रही है कि जिहड़ियां पोस्टां खाली सन उन्होंने असी भरांगे अते जिहड़े पहले पटवारी बैठे हुए ने जेकर हड़तालां करदे ने तां उन्होंने भी नौकरी तो कढ देवांगे। मान सरकार दे वल्लों अजिहे दावे हुण कीते जा रहे ने। अगे वधदे हां, एक पटवारी गिरफ्तार किया विजिलेंस ने बलकार सिंह, जिस नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत मान अते पटवारियों विचाले पेचा पै गया सी। उस तो बाद विजिलेंस के हवाले तो मीडिया के विच कुछ जानकारी सामने आई कि पटवारी बलकार सिंह दे वल्लों 21 साल की नौकरी दे विच 55 एकड़ जमीन बनाई गई है पैसे इकट्ठे कर करके। मीडिया के विच रिपोर्टां आईयां तां पटवारी बलकार सिंह दा परिवार मीडिया के सामने आ गया। उन्होंने आख्या कि विजिलेंस के वलों झूठी जानकारी मीडिया को जानबुझ के दी जा रही है ता जो पटवारियों बदनाम किया जा सके। बिल्कुल भ्रिष्टाचार के पैसे नाल बलकार सिंह ने जमीन नहीं बनाई है। इन्हां लोकां दे वल्लों तां दावा इत्थों तक कर दिता गया कि साढ़े 3 भरावां दे कोल 32.5 एकड़ जमीन है। जिहड़ी 55 एकड़ जमीन की गल विजिलेंस ने आखी है, जेकर साढ़े कोल 55 एकड़ जमीन होवे सारी जब्त कर लवे विजिलेंस, पंजाब सरकार वो सारी जमीन जब्त कर लवे है ही नहीं। साढ़े सारे टब्बर दे कोल 32.5 एकड़ जमीन है अते वो भी असी अपनी मेहनत दे नाल बनाई है सारे परिवार ने रल मिल के। अते इल्जाम विजिलेंस वालों लाए जा रहे हैं कि 21 साल की नौकरी दे विच बलकार सिंह ने 55 एकड़ जमीन बना ली है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसकी चंगे तरीके नाल जांच होनी चाहिए है अते सानू बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। पटवारी बलकार सिंह का परिवार मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं इह अपीलां कर रहा है। अगे वधदे हां, मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों लुधियाणा दे विच पैंदे सानेवाल हवाई अड्डे तो हवाई उड़ानां नूं हरी झंडी दिखा के शुरू कर दिता गया। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान काफ़ी खुश दिखाई दिते अते होरनां हवाई अड्डियां नूं लैके भी उन्होंने ऐलान कर दिते हन। मुख्यमंत्री ने दस्सिया सानेवाल हवाई अड्डे तो यह उड़ान जो शुरू की गई है वह हिंडन लई गाज़ियाबाद लई शुरू की गई है, हरी झंडी दे दी गई है। शुरुआत 3 महीनों के इसका किराया 999 रुपए होगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आख्या कि सब तो वड्डी खुशी की गल यह है कि बठिंडा तो दिल्ली, दिल्ली तो बठिंडा और बठिंडा तो हिंडन उड़ाना भी जल्द शुरू हो रही हैं। हलवारा टर्मीनल का काम भी चल रहा है, सरकार के वलों फंड जारी कर दिए गए ने। इसके नाल ही हुण लुधियाणा के दो हवाई अड्डे सानेवाल हलवारा शुरू हो जाएंगे। आदमपुर तो भी अगले महीने तो फ्लाइट शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री वलों हरी झंडी दिखाउंदिया ये सारी जानकारी पंजाब के लोगों के सामने रखी गई है। अगे वधदे आ, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि इस बार झोना मोटर बंद करके लाना पवेगा क्योंकि असी बिजली ही इन्नी देनी है। शुरुआत दे विच सरकार दे वल्लों सचमुच ही 8 घंटे के करीब जां फिर इस तों वध मोटरां दी बिजली दित्ती गई, पर हुण पंजाब दे वख-वख ज़िलियां तों खबरां सामने आ रहियां ने कि जो मोटरां दी बिजली 8 घंटे हुंदी है वह नहीं मिल रही है। किसी थां ते 3 घंटे, किसी थां ते 4 घंटे ये बिजली मिल रही है। जिस तों बाद किसानां ने सरकार नूं अपील की है कि 8 घंटे के करीब ही सानूं बिजली दे दवो क्योंकि हुण जदों साडी फसल पक्कण दे कंडे आई है तां सानूं पानी चाहीदा है, आखिरी पानी असी लाउणा है। नरमे नूं भी इस वेले तां पानी चाहीदा है। किसानां दे वल्लों ये मंग सरकार दे अगे रखी जा रही है। दो थर्मल प्लांटां दे बॉयलरां दे विच लीकेज की खबर सामने आई सी। हुण पावरकॉम ने आख्या है कि वह लीकेज का काम ठीक हो गया है और किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, किसानों मोटर की पूरी बिजली दी जाएगी। पावरकॉम ने यह गल आख दी है। अगे वधदे आ, अमृतसर के नगर निगम के वलों एक फैसला लिया गया कि जिन्हें भी शहर के 15 साल पुराने ऑटो रिक्शा हैं उन्होंने बैन किया जाता है, भाव बंद किया जाता है। इस ऐलान तो बाद ट्रैफिक पुलिस के वलों जगह जगह पर नाके लाए जान लग पे और जिहड़े 15 साल तो पुराने ऑटो रिक्शा सन उन्होंने बॉन्ड किया जान लग पिया, उन्होंने फड़िया जान लग पिया। जिस तो बाद हुण अमृतसर के ऑटो चालक गुस्से दे विच आ गए और उन्होंने वलों 6 सितंबर वाले दिन पूरा अमृतसर शहर जाम कर दिता गया। जिन्हें भी हैवी ट्रैफिक वाले पॉइंट अमृतसर के सन सारिया ते धरने दे दिते ऑटो वाले ने। इन्हों तो पूछा गया जाम क्यों लाई जाते हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह फैसला निगम के वलों लिया गया है, तुहाडी गल तुसी कहना की चाहते हो, तुहाडी मंग की है। तो ऑटो चालकां ने आख्या सानू गरीबां नू सरकार क्यों छेड़दी है, पंजाब दे इन्ने वड्डे वड्डे मसले ने उन्हां दे वल सरकार दा बिल्कुल ध्यान है। जदों सरकार पैंदी है गरीबां दी जेब नूं गरीबां दे ढिड नूं ही पै जांदी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे, फैसला वापस लवो। हुण तां असीं किश्तां ला के हटे हां, साडे नावां ते ऑटो होए ने, हुण तुसीं चाहुंदे हो असीं फिर नवें लईए, फिर किश्तां भरदे रहीए। गरीबां नाल इन्ना धक्का ना करो, ढिड ते लत ना मारो भगवंत मान जी। ऑटो बंद नहीं किते जाने चाहीदे, ऑटो चालक काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच आउंदे दिखाई दिते ने। अगे वधदे आ, नशे नू लैके सोशल मीडिया ते वीडियोज़ वायरल हुंदियां ही रहिंदियां ने। हुण एक माँ दी वीडियो वायरल हुई है, समराला दी ये वीडियो दसी जांदी है, जिस दे विच एक माँ सरकार नू ये अपील कर रही है कि मेरा पुत्र नशे ते लग गया है और दिन दे विच चार चार वार नशा करता है। जदों भी उसनू नशे की लोड़ पैंदी है ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पैंदा, घरों निकलता ही है बस उस वेले नशा लैके वापस मुड़ आउंदा है। फोन ते ही नशा मिली जांदा, मेरे पुत नू फोन आउंदा है, पुत मेरा बाहर जांदा नशा लैके आ जांदा, आके घरे नशा करन लग पैंदा है। दो पोतरियां ने मेरियां, एक पोतरा है, मैं किधर जावांगी, बचा लो। मैं MLA दे कोल गई हाँ, MLA भी नहीं सुनता, मैं पुलिस दे कोल गई हाँ, पुलिस वाले भी नहीं सुनते, कहिंदे ने अपने मुंडे नू समझा, इस तों ज़्यादा असीं कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा पुत्र बचा लो। जेकर कोई भी बचा सकता है, इस माँ की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल होंदी दिखाई दिंदी है। SHO समराला दे नाल गल कीती गई, उह कहिंदे ने मैं वेखी है वीडियो, मैं जाके आया, मिल के आया माता जी नू, मैं उन्होंने कह दिता है, उन्होंने कुछ नाम दसे ने जो नशा वेचते हैं, उन्होंने खिलाफ़ असी कार्रवाई जरूर करांगे। SHO के वलों यह भरोसा दवाया गया है। अगे वधदे आ, किसान जथेबंदियां पूरी तरह नशे के खिलाफ़ मैदान दे विच कुद पईआं ने। 18 जिलों के विच भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के वलों रोस मुजहरे किए गए जिला पदरी। इन्हां प्रदर्शनकारियों के वलों आख्या गया कि जो गठजोड़ बनया होया है पंजाब दे विच नशे नू लैके, वो टुट नहीं रहा,
वो टुटना चाहिए या तो हुण ऐलान भी कर दिता है एकता उगराहा ने कि 10 अक्तूबर वाले दिन पंजाब दे जिन्हें भी आप दे विधायक ने अते मान सरकार दे मंत्री ने उन्होंने घरां दे बाहर विशाल धरने दिते जाणगे भाव सरकार नूं भाजना पाउण दी तैयारी हुण बीके यू एकता उगराहा दे वल्लों भी नशे दे मुद्दे ते कीती जा रही है। ये सन कुछ वो खबर जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन खबरों में किसी खबर बारे साडे शो पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो पंजाब टीवी, हर खबर का सच।